लड़की का नाम मैपल होता है और उस लड़की के साथ एक लड़का बैठा होता है जिसका नाम ओशी होता है। और मैपल उस लेटर के बारे में ओशी को बताती है। फिर जैन क्लास में आता है, वो अपने बैग में उसी लेटर को देखता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और कहता है बाहर फाइट हो रही है। और बाहर हम देखते हैं ओशी और मैपल न्यू को सुना रहे होते हैं, और ओशी उसे कह रहा होता है कि मैपल को लेटर लिखने के बजाय तुम्हें मुझे किक कर देना चाहिए था, लेकिन यह देखकर मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है। तो न्यू कहता है मैंने ये लेटर किसी को हर्ट करने के लिए नहीं लिखा, मैंने तो सिर्फ इसमें अपनी फीलिंग्स लिखी हैं। बच्चे उसके ऊपर हंस रहे होते हैं तो सोन कहती है कि क्या तुम्हें बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। तो वो लड़के सोन को उल्टा चुप करवा देते हैं और फिर वो न्यू का लेटर सबके सामने पढ़कर सुनाने लगते हैं। और ये सुनकर सभी बच्चे हंस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या इनके अलावा तुम्हारे पास कोई और पिकअप लाइंस नहीं है। तभी वहाँ पर खाओ आती है और कहती है कि यह सब कुछ क्या चल रहा है। तो सोन उसे बताती है कि ये सभी के सामने न्यू का लेटर पढ़कर सुना रहे हैं। इस पर खाओ कहती है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है कि किसी का लेटर इस तरह से नहीं पढ़ा जाता। तो एक लड़का खाओ को टच करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर टाओ आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि ऐसा करने की गलती कभी मत करना, और इन दोनों लड़कियों का फेस ध्यान से देख लो, इन्हें बुली करने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। तो वो कहने लगते हैं कि क्यों, ये लड़कियाँ तुम्हारी क्या लगती हैं। तो टाओ कहता है इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। और तभी वहाँ पर जैन भी आ जाता है जो कि पीछे से कह देता है कि टीचर आ गया है, और ये सुनकर सभी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर खाओ न्यू का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है, और इस तरह से खाओ को देखकर न्यू को याद आता है कि खाओ ही वो लड़की है जिसने कि सुबह मुझे स्पेक्स उठा कर दिए थे। और वहीं जैन भी क्लास में चला जाता है। फिर हम सभी को क्लास में देखते हैं, सोम ने खाओ के लिए लेटर लिखा होता है और साथ ही उसकी ड्राइंग भी बनाई हुई होती है। वहीं न्यू टाओ को लेटर देता है और खुद देखता है कि टाओ ने उसका लेटर बिल्कुल खाली छोड़ा होता है। वो कहता है कि तुमने इसमें मेरे लिए कुछ नहीं लिखा। टाओ कहता है मुझे समझ ही नहीं आया मुझे क्या लिखना चाहिए। और वही सोम देखती है कि लिली जैन को देख रही होती है। तो सोम जैन से पूछती है कि क्या तुम्हें तुम्हारा लेटर मिला। जैन कहता है कि हाँ। तो सोम उसके लेटर को देखती है तो वो देखती है कि ये तो मेरे वाला लेटर नहीं है। और तभी वहाँ पर उनके होम रूम टीचर और टीचर यंग आता है। टीचर यंग कह रहे होते हैं कि आज तुम्हारे स्कूल का पहला दिन था और पहले दिन ही तुमने फाइट कर ली। और वो कहता है कि मुझे खुद ही बता दो कि फ़ाइट की शुरुआत किसने की, वरना मैं सभी को पनिश करूँगा। और वो फाइट लव लेटर को लेकर हुई है, वो लव लेटर किसने लिखा। तो न्यू खड़ा होता है और कहता है कि फ़ाइट मेरी वजह से हुई। तो इस पर टीचर उसे डांट लगता है और कहता है कि इसमें तुम्हारा साथ किसने दिया। तो सोम खड़ी होती है तो टीचर कहता है कि क्या वो लेटर तुमने लिखी है। सोम कहती है मैंने बस उस लड़की को दिया था, लेकिन लिखा वो मैंने नहीं। तो टीचर उसे कहता है जितने भी लेटर तुमने लिखे हैं मुझे दे दो। सो वो सारे लेटर उसे देने के लिए जाती है और देखती है उन्हें लेटर में से वो लेटर होता है जो कि उसने जैन के लिए लिखा था, और उसमें जैन की फ़ोटो भी बनी होती है। तो टीचर वो लेटर भी बच्चों को दिखाने लगता है और कहता है कि सभी लेटर एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन जो ये लेटर है ये काफ़ी अलग सा लग रहा है जैसे कि लव लेटर हो। तो टाओ कहता है कि सर इसमें गलती क्या है। तो टीचर कहता है कि तुम मेरे बराबर बोल रहे हो, ये स्कूल के अगेंस्ट है, यहाँ पर यह सब कुछ नहीं चलता कि तुम एक दूसरे के लिए लव लेटर लिख रहे हो। तो जैन खड़ा होता है और कहता है कि लेकिन सर आपने अभी तक इस लेटर को नहीं पढ़ा, तो आपको कैसे पता कि यह लव लेटर है, और हम सभी बच्चों के लिए किसी न किसी ने तो कोई लेटर लिखा ही है। और सभी बच्चे उसे अपना लेटर दिखाने लगते हैं। तो टीचर कहता है कि पिंक कलर के लेटर में लिखने का क्या मतलब है। खाओ कहती है कि सर पिंक लेटर में लिखने का ये मतलब नहीं है कि यह लव लेटर है, ऐसा भी हो सकता है कि पिंक हमारा फेवरेट कलर हो। तो उनके होम रूम टीचर कह देती है कि वैसे बच्चों को असाइनमेंट मैंने ही दी थी। तो टीचर यंग उनके टीचर को कहकर चला जाता है कि अपने बच्चों को थोड़ा डिसिप्लिन में रखो। फिर होम रूम टीचर न्यू खाओ सोम एंड जैन को कहती है कि तुम टीचर के बराबर बोल रहे थे, अब तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम्हें क्लासरूम को क्लीन करना पड़ेगा। उसके बाद वो सभी बच्चों के लेटर कलेक्ट करके ड्रॉअर में रख देती है। फिर जब क्लास खाली होती है तो सोम उसी ड्रॉअर में देख रही होती है, लेकिन अब वहाँ पर एक भी लेटर नहीं होता, और वह सभी स्पाई करने के लिए भी आ जाते हैं। और न्यू सोम को कहता है कि मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, लेकिन इससे मुझे यह पता चल गया कि वो लड़की कौन थी। तभी वहाँ पर टाओ भी आता है और सोम उसे कहती है मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। फिर खाओ सोम को कहती है वैसे वो लेटर तुमने जैन के लिए लिखा था ना। सोम कहती है कि तुम्हें कैसे पता। खाओ कहती है तुमने सेम वैसे ड्राइंग मेरे लिए भी बनाई थी, तो ये तो ऑब्वियस था कि तुमने ही लिखा हो। फिर सफाई करने के बाद टाओ स्विमिंग पूल के पास आता है क्योंकि वह स्विमिंग क्लब का मेंबर होता है। उसके पास उसके पापा की कॉल आती है और कहता है कि तुम लेट कैसे हो गए हो। तो टाओ कहता है कि मैं क्लास की सफाई कर रहा था, और वह अपने पापा को कोच कहता है क्योंकि उसके पापा उनके स्कूल में स्विमिंग क्लब के कोच होते हैं। और उसके पापा कहते हैं कि हमारे क्लब को एक और स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है जो कि काफ़ी अच्छा कंपटीटर है, लास्ट ईयर उसने चैम्पियनशिप भी जीती थी, और यह वही ईयर था
जब तुम्हें चोट लगी तो अब तुम्हें कंपटीशन में उसे पीछे छोड़ना पड़ेगा। तो टाओ कहता है ठीक है। वही हम सोमो और जैन को देखते हैं जो कि घर जा रहे होते हैं। सोमो से कहती है कि क्लास में मेरे लिए बोलने के लिए थैंक यू। जैन कहता है कि कोई बात नहीं। फिर सोम कहती है लेकिन आज तो मुझे घर में डांट पड़ने वाली है। जैन कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए तुम्हारी मोम से मैं बात करूंगा। जैन देखता है कि सोम को नींद आने लगी है तो उसके थोड़ा क्लोज हो जाता है ताकि सोम उसके शोल्डर पर सो सके। फिर वो अपने बैग से वही लेटर निकालता है जो कि सोम ने उसके लिए लिखा हुआ था और हमें दिखाया जाता है कि जैन ने वो लेटर पहले से ही वहाँ से निकाल लिया था। और तभी जैन के पास उसकी मोम की कॉल आती है और उसे कहती है कि कल छुट्टी होने के बाद तुम सीधा घर आ जाना क्योंकि मैं बैंकॉक आई हूँ और काफ़ी टाइम बाद हम मिल रहे हैं, क्या तुम इसके बारे में भूल गए थे? ये सुनकर जैन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि नहीं मुझे याद था। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। वो भी उसके सर के ऊपर अपना सिर रख लेता है। अब हम स्विमिंग क्लब के स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि वार्म अप कर रहे होते हैं और वहाँ पर टाओ और उसके फ्रेंड्स लेट हो जाते हैं। तो एज अ पनिशमेंट कोच उन्हें पुशअप करने के लिए कहता है, साथ ही उन्हें बताता है कि आज तुम्हें न्यू स्टूडेंट ज्वाइन करने वाला है। तभी वहाँ पर क्लब का न्यू स्टूडेंट आता है जो कोई और नहीं बल्कि वो जैन होता है। टाओ उसे देखकर काफ़ी शोक हो जाता है और वो जैन को कहता है कि क्या लास्ट ईयर चैम्पियनशिप तुमने जीती थी? तो जैन कहता है कि हाँ। उसके बाद उनकी स्विमिंग प्रैक्टिस स्टार्ट होती है जिसमें जैन और टाओ का टाई होता है। ये देखकर कोच को टाओ के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है और वो टाओ को लॉकर रूम क्लीन करने के लिए कहता है।